सिंगरौली के जियावन थाने के अंदर बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मामूली विवाद इतना बड़ा कि दो परिवारों के लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही युद्ध का मैदान बना दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। गुप्ता परिवार के बच्चे और पाठक परिवार के दो बच्चों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गुप्ता परिवार के सैकड़ों लोगों ने थाने के अंदर पाठक परिवार के दर्जनों लोगों को घेर लिया और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। शुरू में पुलिस इस मामले में तमाशबीन बनी रही। कुछ देर बाद मामले को बढ़ता देख पुलिस ने लाठी भांजी और भीड़ को तितर बितर किया। बावजूद इसके पूरे बाजार में भीड़ बनी रही। तब पुलिस ने पूरे शहर में गश्त की और भीड़ को भगाया। ये दो पक्ष थे, एक गुप्ता पक्ष था और एक पाठक पक्ष था। ये किसी क्रिकेट के मामले को लेकर इनकी पुरानी रंजिश थी, वाद विवाद था। उसी रंजिश में कल दिनांक को वापस घात लगा के दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के परिवारजन इकट्ठा हुए थे। इसके बाद दोनों पक्षों में काउंटर मामला दर्ज किया गया, जिसमें 303, 294, 506 का मामला पंजीबद्ध है और साथ ही जिनको चोटें आई उनकी एमएलसी कराई जा रही है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत जैसी चोटें आई उस आधार पर धाराओं का समावेश किया जाए। ये अचानक 4 बजे कल बच्चा और भाई गया था सब्जी लेने मार्केट में, तो एक मनोज गुप्ता जी हैं उनके लड़के के द्वारा मारपीट किया गया बच्चे के साथ। जवाब पूछने पे क्यों मारा गया तो बोले कि और परिवार के लोग भाई को ही मारे। वो गए थाने रिपोर्ट करने, हमको ही सूचना मिली, हम भी थाने पहुंचे। वहाँ कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। बहुत 250 गुप्ता समाज के लोग अचानक थाने पे दबाव बनाने आ गए, कुछ कहने पे मारपीट चालू कर दिए, पुलिस के साथ बदतमीजी किए, हमारे साथ भी छीना झपटी किए। हम अपने भागने में सफल रहे बच्चे लोग, और हमें अब यही आशंका है आने वाले दिनों में कि अगर किसी प्रकार का मेडिकल होता है तो पूर्व में भी दो हमारे ब्राह्मण हमारे समाज के दो लोगों के साथ इस तरह से डॉक्टर, यहाँ दो दो डॉक्टर गुप्ता समाज के ही हैं जिनके कारण गलत मेडिकल दे दिया जाता है। 307 जैसी गंभीर धाराओं से बच्चों की लड़ाई में 307 का मुकदमा मामला बनाया गया है। पूर्व में समुदाय धनधना के ब्राह्मण हैं, तो मुझे आशंका है दो दो गुप्ताओं के द्वारा किसी प्रकार की गलत मेडिकल दिया जा सकता है, जिससे मुझे न्याय मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। घटना में शामिल दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है और मेडिकल टेस्ट कराया है। मेडिकल के बाद पाठक परिवार के लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया, जबकि वहीं गुप्ता परिवार के कुछ लोगों के ऊपर सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।